right, we are getting in live. Those are shots and visuals of Rishabh Pant's mother, who's just arrived at Max Hospital in Dehradun. Remember, she was not. She's just arrived in Dehradun as Rishabh Pant, when he met with that accident at roughly 5:30 in the morning, was headed to Roorkee, where Rishabh Pant's mother stays and where his family in fact resides. And we are learning, this is the image that we are bringing to you of Rishabh Pant's mother now inside Max Hospital in Dehradun. She seems to be having a sort of conversation with the doctors, or trying to check in on her son. As we all know, the doctors are trying to establish the fact if there are any internal or serious injuries or not, and that is why it is very important for Rishabh Pant to remain at the hospital. Let's also go back to Binesh, who continues to stay with us. Binesh, abhi tasveer aayi hai, Rishabh Pant ki mata ji pahunch chuki hain Max Hospital Dehradun mein. Kya maloom pad raha hai, kitni der tak rahenge Rishabh Pant aspatal mein? देखिए, ऋषभ पंत अस्पताल में किस समय तक रहेंगे, कितना समय लगेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जितने भी जो डॉक्टर हैं वो अभी जांच की बात कर रहे हैं कि कहीं गंभीर चोटें तो नहीं है, क्योंकि अभी तक इतना पता चला है कि सिर पर चोट है, पैर पर भी चोट है और उनके कमर पर पीठ पर भी चोट है। तो लेकिन उसके बाद भी जो पूरी जांच पड़ताल है वो की जा रही है, ऋषभ पंत के कई ऐसे टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं गंभीर चोट तो नहीं। हालांकि अभी तक ऋषभ पंत बात भी कर रहे हैं और उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है। एक बार फिर मैं उन्हीं से बात करूंगा जो शख्स हमारे साथ मौजूद थे ऋषभ पंत की जान बचाने के लिए, जो भगवान रूपी बनकर यहां पर पहुंचे थे। यही तीन लोग थे जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे जिस समय ऋषभ पंत हादसा हुआ, उस समय यहां मौजूद थे। आप बताइए कि जिस समय यह हादसा हुआ, क्या आपको पता था कि इसमें ऋषभ पंत है? नहीं नहीं सर, हमें कोई आइडिया नहीं था कि भाई इसमें कौन है। उसके बाद जब हमने देखा भाई तो पता ही चल गया, उन्होंने भाई ने बोला कि हमारा नाम ऋषभ पंत है। क्या आपने उनको पहचान लिया था या आपको उन्होंने बताया उसके बाद? बताया था जी हमें कि भाई हम ऋषभ पंत है, तो इस वजह से हमने उनकी हेल्प की। वैसे भी कोई को होता तो हेल्प करती, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं, कि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि भाई पैसे भी उठा रहे, कुछ सामान वामान उठा रहे, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था। भाई हेल्प करनी चाहिए। कितने यहाँ लोग थे, क्या किस तरह की स्थिति थी, कौन हेल्प नहीं कर रहा था, आप उस समय की तस्वीरें थोड़ी बताइए। सर हेल्प के तो हाईवे है और रोड चलता ही रहे, कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट के पास रुक रही थी, सभी सामान उठा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनकी कार से कोई सामान भी चोरी किया है क्या? बताया जा रहा था, आप बता रहे हैं कि पैसे और कुछ सामान भी कार से निकले, तो क्या वो भी लोगों ने उठाए? हाँ, जो यहाँ पर लोग घूम फिर रहे थे उन्होंने उठा लिया था सामान। क्या 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 सामान उठा कर ले गए, क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं भाई को देख रहा था, मेरे पास 4,000 रुपए थे, जिन्हें 4,000 रुपए मैंने पुलिस को दे दिए। तो देखिए, जिस तरह से ये प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि लोगों ने इन्होंने बिल्कुल मदद की थी, इन्होंने एक अनुरोध भी किया है हमारे चैनल के माध्यम से, अगर कभी किसी के साथ ऐसा हादसा हो तो निश्चित तौर पर उनकी जान बचाने के लिए, मदद करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि जब ये यहाँ पर हादसा हुआ था, ये तो उनकी जान बचा रहे थे, मदद कर रहे थे, लेकिन जो राहगीर हैं, चूंकि हाईवे है, यहाँ से लगातार गाड़ियों का काफिला गुजरता है, जो गाड़ियां रुक रही थी, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था, और स्थानीय जो लोग थे वो भी मूक दर्शक बने हुए थे, और बल्कि जो कार से जो सामान निकला था, इनका तो यहां तक कहना है कि उनका सामान तक भी लोग उठा कर ले गए। इनके पास कुछ नकदी थी जो इन्होंने पुलिस को सौंप दी, मगर और अन्य जो लोग यहां मौजूद थे, उन्होंने जो यहां से पैसा और सामान उठाया है वो लोग उठा कर ले गए, वो भी उनका घटना स्थल से उठा कर ले गए। मदद करने की तो बात दूर की है, उनका जो सामान था वो भी यहां से उठा कर ले गए। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक। जी बिनेश जी, लेकिन आपने हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इन आई विटनेसेस के थ्रू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स टू अंशुल आल्सो फॉर ब्रिंगिंग इन ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड विद दैट, लेट्स आल्सो लिसन इन टू सम वेरी क्रूशियल रिएक्शंस दैट हैव पोर्ड इन। लेट्स बिगिन विद द रिएक्शन ऑफ उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है, उनको वहां से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रिफर किया गया है, और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब्जी जैसे मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है, सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए।
चोटिल होने के समाचार से मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने ऋषिकेश में भी जानकारी ली है और जगह भी जानकारी ली है, और सबसे ज्यादा मैं चिंतित इस बात से हूं कि उनकी कमर में भी चोट लगने की शिकायत है। अब किस तरीके की है मैं समझता हूं। ऋषिकेश एम्स के लोग देख रहे हैं उनको, और यदि आवश्यकता पड़े तो राज्य सरकार को जो है प्लेन चार्टर करके उनको दिल्ली भेजना चाहिए और दिल्ली एम्स में उनका इलाज करवाया जाना चाहिए। इस तरीके के जहां भी विशेषज्ञ हैं वहां उनका इलाज कराया जाना चाहिए। और देश की निधि है, और हमें गर्व है कि उत्तराखंड ने देश को एक निधि दी है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन, उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवेल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। राइट।